एक ऐसा डेडली वेपन जिसके हाथ में लग जाते ही आप इस पूरे सृष्टि के गॉड बन जाओगे। हेलो रिंग, जिसमें कुछ ऐसी पावर है जिसे एक्टिवेट करने पर वो पूरी सृष्टि, पूरे ब्रह्मांड के हर एक जीव को डिस्ट्रॉय कर सकता है, यानी पूरी दुनिया मिट जाएगी। लेकिन इसी के साथ हेलो रिंग का AI एक नई दुनिया बनाएगा जिसके गॉड भगवान आप होंगे। ये रिंग किसने बनाई और इसका पर्पस क्या है, यही इस सीजन में हम देखेंगे। सीरीज है हेलो सीजन 2। तो समय है 2611, जब इंसान एक गैलेक्सी से दूसरे गैलेक्सी काफी आसानी से जा रहे हैं और UNSC नाम की स्पेस एजेंसी के अंडर सारे प्लैनेट्स आते हैं। UNSC के काफी इलीट सोल्जर्स हैं जिन्हें स्पार्टन्स कहा जाता है, जिन्हें बचपन में ही जेनेटिकली मॉडिफाई करके काफी स्ट्रॉन्ग और बेहतरीन बनाया है। और इन स्पार्टन्स का लीडर है मास्टर चीफ यानी जॉन, जो इन स्पार्टन से भी 100 गुना ज्यादा ताकतवर है। वही इस दुनिया में कोविनेंट एलियन नाम के काफी खतरनाक और शक्तिशाली एलियंस है। अब इंसान और एलियंस दोनों भी हेलो इस रिंग के पीछे है ताकि वो इस पूरे दुनिया पर अपना राज कर सके। लेकिन यहाँ पे एक ट्रिक होती है, जिसने भी हेलो इस रिंग को बनाया था उसने ब्रह्मांड में उसे काफी सीक्रेट जगह पे छुपा के रखा है। अब हेलो का मैप जानने के लिए उन लोगों ने 2 कीस्टोन को पीछे छोड़ा था, जिसे एक्टिवेट करने पर तुम्हारे सामने हेलो रिंग का एक मैप आएगा। ये जो 2 कीस्टोन है वो दुनिया में सिर्फ 2 ही इंसान एक्टिवेट कर सकते हैं। एक है मास्टर चीफ यानी कि जॉन, तो दूसरी है मैकी। मैकी एक प्लैनेट पर रहती थी जब UNSC के सोल्जर्स ने वहाँ के लोगों को गुलाम बना के रखा था, और ये सारे सोल्जर्स लोगों को काफी मारा और पीटा करते थे। मैकी भी इन सब का शिकार थी और उसके बचपन में ही एलियंस ने उसे रेस्क्यू करके अपने प्लैनेट पे लाया था, क्योंकि एलियंस को पता था कि ये वही सिलेक्टेड लड़की है जो कीस्टोन को एक्टिवेट कर सकती है। अब सीजन 1 के एंडिंग में हमने देखा था कि स्पार्टन्स और एलियंस के बीच में उनके प्लैनेट पर काफी घमासान लड़ाई हुई थी और मास्टर चीफ लगभग मर गया था, लेकिन कोर्टाना इस AI के मदद से उसने एलियन के साथ लड़ाई जीत ली थी और उनसे दोनों भी कीस्टोन वो लेकर आया था। अब इसी बैटल में मैकी की मौत हो गई थी, लेकिन शायद उसे एलियन ने वापस जिंदा कर दिया है। सीजन 2 के स्टार्टिंग में हम देखते हैं मास्टर चीफ काफी क्रिटिकल होता है और उसके ब्रेन से कोर्टाना को निकाला जाता है। अब इसके 6 महीने के बाद उन्हें एक मिशन पे भेजा जाता है सेंचुरी नाम के एक प्लैनेट पर, जहाँ पे UNSC को खबर मिली होती है कि कोविनेंट एलियन सेंचुरी नाम के एक प्लैनेट पर अटैक करने वाले हैं, और यहाँ पे स्पार्टन्स लोगों को बचाने के लिए आए होते हैं, लेकिन यहाँ पे जो कबीला रहता था वो यहाँ से निकलने के लिए तैयार नहीं होता है। अब सोल्जर जबरदस्ती करने लगते हैं कि तभी इनके कबीले की लीडर वहाँ पे आती है और कहती है कि आज से 42 साल पहले भी तुम लोगों ने ऐसे ही जबरदस्ती की थी और हमें हमारे पहले वाले प्लैनेट से उठाकर यहाँ पे लाया था, और अब तुम वापस यही कर रहे हो, लेकिन इस बार हम कहीं नहीं जाने वाले। अब उनकी ये बात सुनकर वहाँ पे मास्टर चीफ आता है यानी कि स्पार्टन का लीडर, लेकिन इसी दरमियान मास्टर चीफ को एक मैसेज आता है कि इस प्लैनेट के दूसरी तरफ इनकी जो दूसरी टीम होती है उन पर किसी तरह का हमला हुआ है। इसलिए मास्टर चीफ तुरंत वहाँ से भागकर पहाड़ी के ऊपर चले जाते हैं। वहाँ पे हम देखते हैं बहुत ज्यादा फॉग होता है जिसके कारण उस जगह पर कोई भी नजर नहीं आ रहा था, लेकिन तभी मास्टर चीफ को UNSC के नॉर्मल सोल्जर मिलते हैं जो उसे बताते हैं कि हम लोग हमारी टीम से अलग हो गए हैं और इस प्लैनेट का कम्युनिकेशन यूनिट भी तबाह हो चुका है जिसके कारण उनसे कॉन्टेक्ट नहीं हो पा रहा है। अब मास्टर चीफ इन्हें आगे चलने के लिए कहता है, लेकिन उनमें से एक सोल्जर काफी डरा हुआ है और वो बताने लगता है कि कैसे उसने इस फॉग में कुछ देखा है, कि तभी अचानक से कोई फॉग में से उसे खींच लेता है, और अब एक एक करके बाकी सोल्जर्स भी ऐसे ही फॉग में खींचे चले जाते हैं। मास्टर चीफ एक सोल्जर जिसका नाम पेरिस होता है उसे बचा लेता है और अपने पास रहने के लिए कहता है, और तभी अचानक से एक एक करके काफी सारे कोवेनेंट एलियन मास्टर चीफ पर हमला करने लगते हैं, लेकिन मास्टर चीफ उन सबको मार गिराता है। लेकिन इस लड़ाई में पेरिस काफी जख्मी हुई थी इसलिए मास्टर चीफ उसे देखने लगता है, लेकिन अचानक से उसे वापस से आवाज आने लगती है और देखते ही देखते वहाँ पे कोवेनेंट एलियन के भी ऊपर से एलियन यानी कि उनके वॉरियर आ जाते हैं जो अब मास्टर चीफ को कभी भी मारने वाले थे, लेकिन अगले ही पल वो सारे वहाँ से अपने हथियार बंद करके प्लैनेट से जाने लगते हैं। तभी मास्टर चीफ इनके पीछे किसी शख्स को देखता है जो कि कोविनेंट एलियन का लीडर होता है, और उसी के कहने पर ये सारे एलियन वापस जा रहे होते हैं। ये कौन है ये हमें अंत में देखने मिलेगा।
अब कोविनेंट एलियन जाते हुए उस पूरे प्लैनेट को डिस्ट्रॉय करने लगते हैं। हर जगह पे हड़बड़ी मच जाती है, काफी सारे लोग मारे जाते हैं। अब जाते हुए एलियंस इनके एक शिप को भी पूरा ब्लास्ट कर देता है। पूरे प्लैनेट को जलाने के बाद ये एलियंस वहां से चले जाते हैं। अब यहाँ पे यूएनएससी के जो नॉर्मल सोल्जर्स होते हैं वो लोगों को बचा कर अपने शिप में लेकर आने लगते हैं। वहीं इन लोगों की जो लीडर होती है वो अपने कुछ लोगों के साथ यही रुकने का फैसला करती है ताकि वो प्लैनेट को अबैंडन ना करें। और तभी वो मास्टर चीफ के पास आकर कहती है कि तुम्हें अपना मकसद ढूंढना ही होगा क्योंकि मौत तुम्हारे आसपास ही मंडरा रही है। ये कहकर वो लीडर अपने लोगों के साथ खोलते हुए आग की तरफ जाने लगती है। वही मास्टर चीफ लोगों को लेकर यूएनएससी के शिप में से वहां से निकल जाता है, यानी कि एलियंस ने एक और प्लैनेट को तबाह कर दिया है। अब आगे हम देखते हैं मास्टर चीफ और उसकी सारी टीम उन लोगों के साथ यूएनएससी के हेडक्वार्टर यानी रीच प्लैनेट पर आ जाते हैं। अब इसके बाद ये सारे स्पार्टन रेडी होकर एडमिरल कीस से मिलने के लिए जाते हैं, जो कि सबको बता रहे होते हैं कि एलियंस ने मैड्रिगल और एस्ट्यूरी नाम के एक दूसरे प्लैनेट पर भी हमला करके उन्हें तबाह कर दिया है। चीफ रिपोर्ट देता है और कहता है कि एलियन सेंचुरी प्लैनेट पर हमसे भी पहले आए थे और उन्होंने प्लैनेट का कम्युनिकेशन सिस्टम भी डिस्ट्रॉय कर दिया था और जाते हुए पूरे प्लैनेट को भी लेजर गन से डिस्ट्रॉय कर दिया। एलियंस ने अपनी स्ट्रेटेजी को चेंज की है, ऐसा लग रहा था कि वो किसी चीज की ट्रेनिंग ले रहे हैं। हमें भी तैयार रहना चाहिए। लेकिन तभी वहाँ पे एकरसन आता है जो अब डॉक्टर हॉल्जी के जगह पर इनका सीनियर था और वो जॉन की बात को इग्नोर कर देता है, जिससे जॉन को एकरसन कुछ सही आदमी नहीं लगता क्योंकि उसने काफी समय से स्पार्टन्स की सारी अथॉरिटी ले ली होती है। दूसरी जगह हम रबल प्लैनेट पर देखते हैं जहाँ पे गुलामों की बोली लग रही होती है। तो यहाँ पे सॉरेन और उसकी वाइफ भी बैठी होती है और फेलिक्स नाम के एक गुलाम को वहाँ पे लाया जाता है। वो दिखने के लिए कमजोर होने के कारण उसे कोई भी खरीदता नहीं है, लेकिन तभी वो चीखते हुए सबसे कहता है कि मैं डॉक्टर हॉल्जे का लोकेशन जानता हूँ, उसके ऊपर यूएनएससी ने काफी बड़ा इनाम भी रखा है, लेकिन कोई भी उसके बात पर विश्वास नहीं करता और उसे गार्ड्स लेकर जाते हैं। लेकिन सॉरेन को डॉक्टर हॉल्जे को पकड़ना था, इसीलिए वो सोचने लगता है। अब घर आने पर उसका बेटा केसलर उसे पूछता है कि क्या मॉन्स्टर सच में होते हैं, तो सॉरेन कहता है कि नहीं, मॉन्स्टर जैसी कोई भी चीज नहीं है। अब अगले दिन जॉन एकरसन से मिलने आता है। दोनों की भी कैजुअल बातें होने के बाद जॉन उसे बताता है कि मैं इस एनिमी को जानता हूँ, इन लोगों ने अपना पैटर्न चेंज किया है। ये लोग बेरहमी से पूरे प्लैनेट को लेजर बीम से डिस्ट्रॉय कर रहे हैं और उन्होंने सारे प्लैनेट्स को उसी पैटर्न में डिस्ट्रॉय किया है। ये लोग कुछ तो बड़ा प्लान कर रहे हैं, हमें भी तैयार होना चाहिए और उसके लिए वैसी ट्रेनिंग लेनी चाहिए। लेकिन एकरसन यहाँ पर भी उसकी बातें इग्नोर करता है और उसके क्रेडिबिलिटी पर सवाल करता है क्योंकि सिल्वर टीम ने अपने इमोशनल पैलेट निकाल दिए थे और वो जॉन की सारी बातों को इनकार कर देता है, इसीलिए जॉन गुस्से में वहां से निकल जाता है। दरअसल पिछले 6 महीनों से सिल्वर टीम को ज्यादा काम नहीं दिया गया होता, पब्लिक अपीयरेंस से भी उन्हें छुपाया होता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं जिस सोल्जर को मास्टर चीफ ने लड़ाई के मैदान में बचाया होता है, पेरिस, उसे उस प्लैनेट के लोगों को बचाने के लिए अवार्ड मिल रहा होता है और मास्टर चीफ और सारे स्पार्टन ये सब कुछ देख रहे होते हैं क्योंकि उनके मदद के बगैर ये पॉसिबल ही नहीं था। अब इसी दरमियान स्पार्टन की एक दूसरी टीम जिसका नाम कोबाल्ट है वो वहां पर आ जाती है। उनका लीडर है वाल, जो मास्टर चीफ को बताता है कि वो लोग एक दूसरे प्लैनेट के लोगों को रेस्क्यू करने के लिए जा रहे हैं क्योंकि उस प्लैनेट का भी कम्युनिकेशन यूनिट खराब हो गया है। ये सुनते ही मास्टर चीफ को समझ आता है कि वहाँ पर भी कोवेनेंट एलियन का हमला है, इसलिए मास्टर चीफ तुरंत एकरसन से जाकर मिलता है और कहता है कि आपने कोबाल टीम को क्यों नहीं बताया कि वहाँ पे एलियन हो सकते हैं। लेकिन तभी एकरसन कहता है, मैंने तुम्हारी सेंचुरी प्लैनेट पर कोविनेंट एलियन से हुई लड़ाई की रिपोर्ट पढ़ी है जिसमें तुमने लिखा था कि तुम्हारे ऊपर करीब करीब 50 कोविनेंट एलियन का हमला हुआ था और उनके साथ उनका लीडर भी वहां पर था, पर वो एलियन तुम्हें एक भी खरोच ना पहुंचा कर वहां से चले गए, क्यों? ये बात मुझे कुछ हजम नहीं हो रही है। और उसे बताता है कि तुम्हारे दिमाग पर अभी भी कोर्डाना का असर है और इसीलिए तुम और तुम्हारी टीम किसी भी मिशन पर अब जाने वाली नहीं है। अब मास्टर शेफ गुस्से में बाहर के शहर में जाने लगता है कि तभी उसे एलिवेटर में एक औरत दिखाई देती है जो और कोई नहीं बल्कि एडमिरल होती है। वो बताती है कि डॉक्टर हॉल्जे के जाने के बाद मैनेजमेंट ने उसे भी एडमिरल पोस्ट से निकाल दिया है और अब वो एक नॉर्मल सिटीजन है, लेकिन अक्सर अभी भी वो चुपके से यूएनएससी के ऑफिस में आया करती है। अब वो मास्टर चीफ से पूछते कि सेंचुरी प्लैनेट पर एग्जैक्टली हुआ क्या, तो मास्टर चीफ बताता है कि उन्होंने उस प्लैनेट को तो डिस्ट्रॉय कर दिया,
लेकिन कोवेनेंट एलियन कुछ बड़ा प्लान कर रहे हैं और यहाँ पे कोई भी इस बात को सीरियसली नहीं ले रहा है। तो एडमिरल उसे एक सजेस्ट करती है और कहती है कि तुम्हें कोवेनेंट एलियन के हर एक चीजों पर नजर रखनी है और तुम्हें जो भी कुछ खबर मिले वो तुम मुझे आकर बताना। मेरे पास काफी सारे वेज है जिससे हम एलियन से लड़ सकते हैं। और उसे एक बजर देती है जो दबाने पर एडमिरल उसे आके मिल सकती है, जिसके बाद मास्टर चीफ वहां से निकलकर एक एआई थेरेपिस्ट के पास जाता है और उसका लुक पूरा कोर्टाना जैसे सेट करता है और उसे बताने लगता है शायद मेरे साथ कुछ गलत हो रहा है, मुझे कुछ सही नहीं फील हो रहा है, ऐसा लग रहा है मानो मेरे दिमाग का एक हिस्सा पूरा मिसिंग है, मुझे बीच बीच में अजीब अजीब आवाजें सुनाई देती है जो शायद तुम्हारी यानी कि कोर्टाना की है। अब हम एज अ ऑडियंस समझ पाते हैं कि कोर्टाना को निकालने के कारण मास्टर चीफ पर इसका काफी असर पड़ा है। इसी दरमियान मास्टर चीफ को एक विजन आता है। स्टार्टिंग के लड़ाई में हम देखते हैं जब एलियन उसे छोड़कर जाते हैं तब वो उनके लीडर को देखता है और वो लीडर और कोई नहीं बल्कि उसकी एक्स गर्लफ्रेंड मैकी होती है जो उसे कहती है कि तुम्हें मेरे साथ रहना चाहिए था लेकिन तुम मुझे छोड़कर चले आए। और मैकी ने मास्टर चीफ को देखा था इसीलिए उसने एलियंस को उसे ना मारने का ऑर्डर दिया था। अब ये जानने के बाद मास्टर चीफ और भी कंफ्यूज होता है, वहां से निकल जाता है। वही दूसरी तरफ अब हम सॉरेन को देखते हैं जो फेलिक्स से मिलता है और कहता है कि मैं डॉक्टर हॉल्जे को पकड़ना चाहता हूँ लेकिन अगर तुमने बताई हुई जगह अगर गलत निकली तो तुम्हें ही वहाँ पे छोड़ देंगे। जिसके बाद सॉरेन अपनी टीम के साथ तैयारी करने लगता है लेकिन तभी उसका बेटा कैसलर आता है और अपने पिता से पूछता है कि क्या मॉन्स्टर सच में होते हैं। तो सॉरेन कहता है कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है लेकिन तुम्हें ये सारी चीजें कौन बता रहा है। लेकिन कैसलर कोई भी जवाब नहीं देता। जिसके बाद सॉरेन अपने टीम के साथ फेलिक्स को लेकर उसकी बताई हुई जगह पर पहुंच जाता है जो कि एक बहुत ही बड़ा स्पेसशिप होता है। फेलिक्स बताता है कि डॉक्टर हॉल्जे को इसी शिप में मैंने क्रायो ट्यूब में देखा था। अब सॉरेन और फेलिक्स दोनों भी स्पेसशिप के अंदर जाते हैं पर असल में ये फेलिक्स की एक चाल होती है सॉरेन को पकड़वाने की, क्योंकि अंदर जाते ही कुछ सोल्जर आकर सॉरेन को उसके बुरे काम यानी चोरी डकैती के लिए अरेस्ट कर लेते हैं। कि सॉरेन पकड़ा गया है ये देख सॉरेन की टीम वहां से भाग जाती है और कुछ समय के बाद रेबल प्लैनेट पर आकर उसकी पत्नी को ये बुरी न्यूज देती है। ये देखकर कैसलर बहुत ही दुखी होता है और वहां से भागने लगता है। एक गुफा में आता है। इस गुफा में और कोई नहीं बल्कि क्वॉन होती है जिसने दीवारों पर अजीब अजीब सिंबल्स बनाए होते हैं और वो कैसलर से कहती है कि अब तो तुम्हें मॉन्स्टर पे भरोसा है ना, यानी कि क्वॉन भी रबल प्लैनेट पे ही छुपी हुई है और वही कैसलर को सारी चीजें बता रही है। अब वही एपिसोड के एंडिंग में हम कोवेनेंट एलियंस को देखते हैं जो कि जंग में जाने की काफी भारी तैयारी कर रहे होते हैं और आसमान से बहुत ही बड़े बड़े स्पेसशिप निकल आते हैं और अटैक के लिए रेडी होते हैं और यहीं पर ये एपिसोड खत्म होता है। अब इस सेकेंड एपिसोड की शुरुआत में हम डॉक्टर हॉल्जे को देखते हैं जो कि अर्थ जैसे दिखने वाले किसी जगह पर है। तभी वहाँ पर जूलिया नाम की एक बच्ची आती है जो डॉक्टर हॉल्जे के लिए कुछ कुकीज और चाय लेकर आती है और तभी डॉक्टर हॉल्जे जूलिया से पूछती है कि इस रूम के बाहर आखिर है क्या। तो जूलिया कहती है कि बाहर एक बहुत ही बड़ा कॉरिडोर है और उसके दूसरे पार एक दरवाजा है जाने के लिए लेकिन मैं उस दरवाजे के उस पार कभी भी नहीं गई हूँ। अब डॉक्टर हॉल्जे उससे आगे कुछ पूछने जाती है कि तभी उसके नाक से खून आने लगता है और उसकी वहीं पर मौत होती है जो देखकर हम समझ जाते हैं कि जूलिया असल में एक क्लोन है। अब यहाँ से हम यूएनएससी के हेडक्वार्टर में जाते हैं और रीज इस पार्टन को देखते हैं जो कि अपनी ट्रेनिंग पर जाने के लिए तैयार हो रही है लेकिन लास्ट सीजन में जब हमने देखा था आखिरी के एपिसोड में एलियंस और इन स्पार्टन्स की काफी घमासान लड़ाई हुई थी और इस पूरे लड़ाई में रीज की हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो चुकी थी। उसका शरीर पूरा जल गया होता है और उसी के कारण वो अभी कमजोर है, ज्यादा लड़ नहीं सकती। ये दरअसल यहाँ पे रीज ने अपना इमोशनल पैलेट भी निकाल दिया होता है जिसके कारण उसे ये सारे इमोशंस महसूस हो रहे हैं। अब इसके बाद काई मास्टर चीफ यानी जॉन से मिलती है। तभी जॉन काई से कहता है कि मैंने सेंचुरीज प्लैनेट पर लड़ाई के दरमियान मैकी को देखा था जो देखकर काई काफी हैरान होती है क्योंकि लड़ाई के दरमियान काई ने ही मैकी को मार दिया था। अब इनके बातों के दरमियान ही हम देखते हैं कि यूएनएससी का एक आदमी आकर मिशन का स्टेटस बोर्ड पर कोबाल टीम का नाम के आगे स्टैंड बाय लिखता है। इसी का मतलब ये है कि उनके साथ कुछ ज्यादा कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है लेकिन ये देखकर मास्टर चीफ को काफी गुस्सा आता है क्योंकि उसे पता होता है कि वहाँ पे कुछ तो खतरा है और इनसे कुछ बात छुपाई जा रही है।
मास्टर चीफ एकरसन से आके मिलता और उससे पूछता है कि काफी समय हो गया है, कोबाल टीम का कोई भी अपडेट नहीं आया है। एकरसन मास्टर चीफ से कहता है कि कोबाल टीम तो ठीक है, लेकिन मैंने तुम्हारी सेंचुरी प्लैनेट की रिपोर्ट पढ़ी है। जब तुम ऊपर पहाड़ी पर गए थे तब वहाँ पे कोई भी एलियन ने तुम पे हमला नहीं किया था, वहाँ पे कोई भी एलियन लीडर भी नहीं था, वो तुम्हारी मनगढ़ंत कहानी है। लेकिन ये सुन के मास्टर चीफ कहता है कि मेरे साथ कॉर्पोरल पेरेस भी थी, तुम उस लड़की से पूछ सकते हो, उसकी टीम एलियन के अटैक में ही मारी गई थी। लेकिन एकरसन कहता है कि उससे भी पूछा गया है, वो श्योर नहीं है कि ऊपर उसने क्या देखा, इसीलिए तुम्हारी बातों पर अब हम विश्वास नहीं कर सकते। तो यहाँ रबल प्लैनेट पर हम देखते हैं क्वान को, जो कि वहाँ पे छुपके से रह रही होती है, लेकिन वहाँ के दो गार्ड्स उसे देख लेते हैं और वो क्वान को पकड़ने के लिए आते हैं। लेकिन ये देख क्वान वहाँ से भागकर एक जगह पे छुप जाती है। अब वो गार्ड जैसे ही उसे मारने आते हैं, वो उनमें से एक गार्ड को बाहर स्पेस में ही फेंक कर मार देती है। वही दूसरा आदमी आने पर उसे भी वही मार देती है। वही दूसरी जगह रिस को देखते हैं यूएनएससी के हेडक्वार्टर में, जो लुइस नाम के एक फॉर्मर स्पार्टन से अपनी ट्रेनिंग ले रही होती है। यहाँ पे लुइस आंखों से देख नहीं सकता था, लेकिन फिर भी उसे रिस की हालत का अंदाजा लग जाता है और वो रिस को सजेस्ट करता है कि तुम हमेशा एक स्पार्टन बन के नहीं रह सकती और इसीलिए तुम्हें अपनी जिंदगी के लिए कुछ और करने का सोचना चाहिए। लेकिन रिस लुइस के बातों को इग्नोर कर देती है। वही हम रबल प्लैनेट पे देखते हैं सॉरेन की पत्नी लॉरा को, जो सॉरेन के बाकी साथी से मिलने के लिए जाती है जो उसके साथ मिशन पे गया था। वो एंट्रेस से कहती है कि अगर सॉरेन तुम्हारी जगह होता तो तुम्हें कभी भी अकेला छोड़ के नहीं आता, तुम सभी लोग बुजदिल हो जो उसे अकेला छोड़ के आए हो। तो एंट्रेस उसे कहता है कि हाँ, पुलिस से लड़ाई नहीं कर सकते थे क्योंकि हमारे स्पेसशिप में खराबी आ गई थी और इसीलिए हमें वापस आना पड़ा, लेकिन हम प्रॉमिस करते हैं कि जल्दी से हम सॉरेन को ढूंढ लाएंगे। पर असल में एंट्रेस यहाँ पे झूठ कह रहा होता है कि सॉरेन की सारी टीम भी फेलिक्स के साथ मिली हुई थी उसे पकड़ने के लिए। वही दूसरी जगह सारी स्पार्टन्स की ट्रेनिंग चल रही होती है, जहाँ पे हम देखते हैं सभी लोग बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस दे रहे होते हैं। लेकिन वही रिस की हालत काफी खराब हो रही थी और ट्रेनिंग बार बार रोकी जा रही थी। यहाँ पे ट्रेनिंग के बाद हम रिस को देखते हैं, जिसे लुइस अपने साथ डैनिलो नाम के एक हीलर से मिलवाने लेकर आता है। यहाँ पे डैनिलो के पास कुछ खास पावर होती है। फिर डैनिलो रिस के शरीर पर हाथ रखकर उसे हो रहे दर्द को धीरे धीरे कम करने लगता है। वही एकरसन मास्टर चीफ के खिलाफ कोई चाल चल रहा होता है और इसीलिए वो काही से मिलने आता है और उससे पूछता है, क्या तुम्हें कभी ऐसा लगा कि मास्टर चीफ की दिमागी हालत सही नहीं है? तभी काही कहती है कि मास्टर चीफ अभी भी अपने अतीत को भुला नहीं पाया है, लेकिन इसके बावजूद भी वो पूरी तरीके से ठीक है और उसके जजमेंट में कोई भी खतरा नहीं है। तो वही हम मास्टर चीफ को देखते हैं जो कि पेरिस के घर आता है। अब वहाँ पेरिस की माँ मास्टर चीफ को घर में डिनर के लिए इन्वाइट करती है, लेकिन खाना खाने के बाद फाइनली वो पेरिस से पूछता है कि तुमने झूठी रिपोर्ट क्यों कहा। पेरिस बताती है कि वो एक टीम लीडर होने के बावजूद भी वो अपने लोगों को बचा नहीं पाई और इसी स्ट्रेस और गिल्ट में वो जी रही है। पहाड़ी के ऊपर उसने जो भी देखा वो काफी डरावना था, इसीलिए मैं उन्हें बता नहीं पाई कि एग्जैक्टली पहाड़ी के ऊपर क्या हुआ था, लेकिन एलियन की चीख मेरे कानों में अभी भी गूंज रही है। अब ये सब कुछ सुनने के बाद मास्टर चीफ उसे कहता है कि तुमने जो भी देखा वो सब सच था और जो चीख तुम्हें सुनाई दे रही है वो हर पल अब तुम्हारे साथ रहने वाली है। अब हम देखते हैं डॉक्टर हॉल्जी को, यहाँ पे जूलिया के क्लोन को लेकर जाने के लिए कुछ नर्सेस आई होती है और तभी वहाँ पे एकरसन आता है। जी हाँ, एकरसन यानी कि यूएनएससी ने ही डॉक्टर हॉल्जे को यहाँ पे कैद करके रखा हुआ है और उस पूरे कमरे को अर्थ जैसा सिमुलेशन बनाया गया है। अब एकरसन वहाँ से निकलकर दूसरे कमरे में आता है जहाँ पे वो छोटा वाला कीस्टोन रखा हुआ था, लेकिन तभी कोर्टाना वहाँ पे प्रकट हो जाती है। अब एकरसन कोर्टाना के पास आता है और उससे पूछता है कि अगर एलियन और इंसानों की लड़ाई होती है तो क्या हम जीत सकते हैं? तो कोर्टाना कहती है, जितने भी रिसोर्सेज इस प्लैनेट पर अवेलेबल है उन्हें कैलकुलेट करके इस लड़ाई को जीतना मुश्किल है, जिससे एकरसन थोड़ा डर जाता है। तो यहाँ जॉन सिस्टम में कोबाल टीम का स्टेटस चेक करता है और उसे पता चलता है कि वो टीम किसी और प्लैनेट पर नहीं बल्कि इसी प्लैनेट पर है और विजगार्ड नाम की जगह पर गई है और अब उस बेस के सारे सिग्नल चले गए हैं। अब उसे समझ आता है कि यहाँ पर भी एलियन का हमला हुआ है, इसीलिए वो अपनी टीम को वार्न करता है और वो सभी लोग एक प्लेन में बैठकर विजगार्ड जाने के लिए निकलते हैं। वही एपिसोड के एंडिंग में हम देखते हैं इसी प्लैनेट पर विजगार्ड नाम की जगह पर कोबाल टीम गई होती है और उस बेस पर किसी चीज का हमला हुआ था। सोल्जर्स अंधेरे में फायरिंग करने लगते हैं
कि तभी वहाँ पे एलियन का कमांडर द आर्बिटर आके एक ही झटके में सारे सोल्जर्स को मार गिराता है और उसी के पीछे आती है मैकी और वो एक रूम में जाकर वहाँ का कीस्टोन ले लेते हैं। तो थर्ड एपिसोड की शुरुआत में हम मास्टर चीफ और बाकी स्पार्टन्स को देखते हैं जो अपने ही प्लैनेट पे विस्गार्ड नाम की जगह पर आए होते हैं, लेकिन हम देखते हैं ये कम्युनिकेशन सेंटर पूरी तरीके से अबैंडन होता है। अब आसपास की चीजें ढूंढते हुए एक कंप्यूटर पर बहुत ही लाउडली एक ब्रॉडकास्ट शुरू हो जाता है और उस आवाज से हमें समझ आता है कि ये एलियन की भाषा है। अब मास्टर चीफ जाके उस ब्रॉडकास्ट को बंद करता है। ये चारों लोग भी बेसमेंट में आते हैं, जहाँ पे मास्टर चीफ देखता है कि एक दरवाजा जोर जोर से आवाज कर रहा है और अब मास्टर चीफ उस दरवाजे के ओर बढ़ता ही है कि तभी अचानक से यूएनएससी के दूसरे सोल्जर्स की एक टीम आ जाती है जो मास्टर चीफ को गन पॉइंट पे रख कर कहती है कि तुम लोग आगे नहीं बढ़ सकते। अब मास्टर चीफ कहता है कि मैं कोबॉल टीम को बचाने के लिए यहाँ पे आया हूँ और ये कहकर वो सीधा उसी दरवाजे को खोल देता है, लेकिन हम देखते हैं कि अंदर एक कॉरिडोर होता है और वहाँ पर कोई भी नहीं था और वो ब्रिक से बहस करने लगता है कि कोबाल टीम कहाँ पर है, लेकिन बाकी स्पार्टन उसे शांत करते हैं और यहाँ से लेकर जाया जाता है। वही दूसरी तरफ हम एकरसन को देखते हैं और यहाँ पे एकरसन अपने पिता को कहता है कि कोविनेंट एलियन अब रीच प्लैनेट पर हमला करने ही वाले हैं, कि मुझे शायद जल्दी से यहाँ से जाना पड़ सकता है, लेकिन मैं चाहकर भी आपको मेरे साथ लेकर नहीं चल सकता। ये सुनकर उसके पिता एकरसन से पूछते हैं कि क्या तुम्हें अपनी माँ और बहन जूलिया याद है, क्या वो लोग सेफ है? तो एकरसन कहता है कि वो दोनों भी मर चुके हैं। अब ये बात सुनकर हमें पता चलता है जूलिया वही लड़की है जो डॉक्टर हॉल्जे के साथ इंटरैक्ट कर रही होती है, जो कि दरअसल एकरसन की बहन है। अब यहाँ पे स्पार्टन्स को एडमिरल कीस के सामने लाया जाता है जो इन चारों को बहुत ज्यादा डांट रहे होते हैं, स्पेशली मास्टर चीफ को। लेकिन एडमिरल कीस कोबाल टीम का असली मिशन की रिपोर्ट दिखाते हैं और कहते हैं कि टीम इस समय इस प्लैनेट पर नहीं है, वो चार दिन से ही एक्टिस 5 नाम के ही अपने मिशन पर गई हुई है जो उनका ओरिजिनल मिशन था। अब ये देखकर मास्टर चीफ कहता है कि ये डेटा गलत है, इसे बदल दिया गया है, जिसके बाद इन पर किसी भी मिशन पर जाने से रोक लगाई जाती है, जिसके कारण वेनेक और रीज भी मास्टर चीफ के ऊपर गुस्सा होकर चले जाते हैं। तो यहाँ दूसरी जगह पे हम रबल प्लैनेट पर देखते हैं जहाँ पे कौन छुपी हुई है। अब लॉरा उससे मिलने आती है और कौन उसे बताती है कि सॉरेन का क्रू रूबियन नाम के एक औरत से मिला हुआ है और उसी औरत ने सॉरेन को पकड़वाया है और वो यूएनएससी के हिरासत में है। अब वो आगे लॉरा से कहती है कि तुम्हें और तुम्हारे बेटे केसलर को भी ये लोग मारने वाले हैं और तुम जिस मिशन पे जाने वाली हो उसी में तुम्हारी मौत होगी। अब ये सुनकर वो कॉन के साथ एक प्लान बनाती है और तुरंत अपने घर आती है, जहाँ पे हम देखते हैं सॉरेन के जो क्रू मेंबर्स होते हैं वो यहाँ पे ऑलरेडी आ गए हैं, जो उसे बताते हैं हमने स्पेसशिप को पूरा ठीक कर दिया है, अब हम सॉरेन को ढूंढने चल सकते हैं, हम लोग अभी निकल रहे हैं। लेकिन लॉरा उन दोनों को बाहर कुछ देर इंतजार करने के लिए कहती है। इसके बाद वो केसलर और कॉन के साथ स्पेसशिप में जाकर यहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन सॉरेन के बाकी का क्रू उसे देख लेता है पोर्ट का और इस प्लैनेट के पोर्ट का दरवाजा ही बंद कर देते हैं, जिसके वजह से लॉरा भाग नहीं पाती और उसे स्पेसशिप रोकनी पड़ती है। अब केसलर को बचाने के लिए लॉरा कॉन से कहती है कि मैं अकेली बाहर जाकर सबका ध्यान अपनी तरफ खींचती हूँ, तब तुम केसलर के साथ दूसरे सिटीजन के स्पेसशिप में बैठकर यहाँ से चली जाओ। और वो कॉन को अपना नेकलेस देती है और कॉन और केसलर वहाँ से निकल जाते हैं। वही लॉरा बाहर आती है जिसे सॉरेन का वही क्रू पकड़ लेता है। तो यहाँ दूसरी तरफ हम यूएनएससी प्लैनेट पर देखते हैं रिज को। अब उन सबको सस्पेंड कर दिया गया था, यानी कि कोई भी अब मिशन नहीं है, इसीलिए वो उसी हीलर लुइस के घर जाती है और कहती है कि क्या मैं यहाँ कुछ दिन रह सकती हूँ, तो लुइस हाँ कहता है। अब हम यूएनएससी के हेडक्वार्टर में देखते हैं और यहाँ पे फाइनली हमें समझ आता है कि कोबाल टीम के साथ आखिरकार हुआ क्या था। सो मास्टर चीफ ने जो भी प्रेडिक्ट किया था वो बिल्कुल सही था, कोबाल टीम को विस्गार्ड ही भेजा गया था जहाँ पे कोविनेंट एलियन ने उनके ऊपर हमला कर दिया था और पूरी कोबाल टीम मारी गई है। ये सब कुछ हुआ था 4 दिन पहले। ये सब कुछ देखकर कीज काफी ज्यादा गुस्सा होते हैं और कहते हैं कि यानी कि मास्टर चीफ की बात सच थी, एलियन सच में इस प्लैनेट पर आ गए हैं और इतनी बड़ी बात तुमने सबसे छुपाई है और उन्होंने इन सारे टीम को मारा है। अब यहाँ पे एकरसन फाइनली कन्फेस करता है कि हाँ कोविनेंट एलियन यहाँ पे आ चुके हैं और मैं उनके साथ लड़ाई की सारी स्ट्रेटेजी कोर्टाना के साथ कर रहा था और उन स्ट्रेटेजीज के अनुसार मुझे पता चला है कि हमने अगर वॉर किया तो भी हम हारेंगे।
इसीलिए लड़ने का कोई भी फायदा नहीं है। ये सारी चीजें सुन के कीज को काफी बिट्रेयल महसूस होता है और वो कहता है कि मैं अभी के अभी सीनियर्स को बता रहा हूँ। तो एकरसन कहता है कि हमारे सारे मैनेजमेंट को ये बात पता है, लेकिन ये बात किसी भी आम इंसान को नहीं बताया है, वरना हर जगह भगदड़ मच जाएगी और एलियन पहले ही हमला कर देंगे। इसीलिए 15 दिन से हम सारी जरूरत की चीजें इस प्लैनेट से दूसरी जगह लेकर जा रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि तुम भी हमारे साथ इस प्लैनेट से चलो, क्योंकि लड़ाई का कोई फायदा नहीं होगा। लेकिन ये बात सुनकर एडमिरल कीज को काफी गुस्सा आ जाता है और कहते हैं कि एफ ऑफ, और वो वहाँ से निकल जाते हैं। वही हम मास्टर चीफ को देखते हैं जो अपने साथ वाले दो गार्ड्स को मारकर बजर लेकर एडमिरल पेरागोस्की से मिलने के लिए जाता है। कहता है कि कोविनेंट एलियन रिच प्लैनेट पर आ गए हैं, लेकिन कोई भी मेरे बात पर यकीन नहीं कर रहा है। जो सुनकर पेरागोस्की उससे कहती है कि तुम्हें ये बात किसी को भी नहीं बतानी है, तुम एक सोल्जर हो और इसीलिए तुम वही करोगे जो तुम्हें ऑर्डर दिए जाते हैं। अब उनकी ये मीठी मीठी बातें सुनकर मास्टर चीफ समझ जाता है पेरागोस्की ने कभी यूएनएससी छोड़ा ही नहीं था। वो अभी भी ओनी की ही ऑफिसर है। ओनी यानी के ऑफिस ऑफ नेवल इंटेलिजेंस, ये सीक्रेट इंटेलिजेंट का ऑफिस है जिसमें एकरसन भी है और उसी से वो मिली हुई है। अब ये सुनकर वो गुस्से में वहाँ से निकल जाता है। तो यहाँ पे हम एकरसन को देखते हैं जो डॉक्टर हॉल्जी को गुड बाय करने आता है। उसकी बातों से हम समझ पाते हैं कि ये सभी लोग एक नए प्लैनेट पर अब रिलोकेट होने वाले हैं एलियन से बचने के लिए। अब ये सुन के डॉक्टर हॉल्जी कहती है कि मुझे पता है कि जूलिया तुम्हारी ही बहन थी और उसे भी हमने स्पार्टन प्रोग्राम में शामिल किया था, लेकिन वो स्पार्टन की ट्रेनिंग झेल नहीं पाई और मर गई, लेकिन वो तुमसे बहुत प्यार करती थी। अब ये सुनकर एकरसन गुस्से में वहाँ से चला जाता है, लेकिन अगले ही पल वापस आ जाता है और अब उसके साथ होता है सॉरेन, जिसे वो डॉक्टर हॉल्जी के साथ वहीं पे छोड़ के निकल जाता है। वही दूसरी तरफ हम एक दूसरे स्पेसशिप में सॉरेन के क्रू को देखते हैं, जहाँ पे एंटेरास नाम का सॉरेन का ही क्रू मेंबर होता है। वो लॉरा से पूछता है कि सॉरेन ने मैड्रियल से लाया हुआ खजाना कहाँ पे छुपाया है। अब यहाँ पे लॉरा कहती है कि मुझे नहीं पता कौन से खजाने के बारे में, जो सुनकर वो लोग लॉरा को एक कमरे में बंद करते हैं जिसमें सिर्फ एक ही मिनट का ऑक्सीजन रहता है। लेकिन तभी वहाँ पर कौन आ जाती है और इन सारे लोगों को वो एक एक करके मार देती है और लॉरा की जान बचाती है। लेकिन यहाँ पे केसलर नहीं होता, वो कौन से केसलर के बारे में पूछने लगती है। तब कौन बताती है वो उसी सिटीजन के स्पेसशिप में चला गया है, वो सेफ है और अगर मैं यहाँ पे नहीं आती तो तुम कब का मर जाती। तो यहाँ दूसरी तरफ एकरसन को देखते हैं जो अपने पिता को गुड बाय करने आता है, इसीलिए वो अपने पिता को फाइनली जूलिया के क्लोन से मिलवाता है ताकि उन्हें लास्ट बार अपनी बेटी दिखाई दे, जिसके बाद वो उन्हें बताता है कि मैं आपको एक दवाई दे रहा हूँ जिससे आपको काफी गहरी नींद आएगी। उसके पिता मान जाते हैं और वो दवाई खाते हैं और वहीं पे उनकी मौत हो जाती है। उसी के साथ हम देखते हैं जूलिया का भी क्लोन वहीं पे मारा जाता है और एकरसन जाने निकलता है। तो यहाँ पे मास्टर चीफ बहुत ही कंफ्यूज होता है, उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब करे तो क्या करे। इसीलिए वो चीफ पेरिस से मिलने के लिए आता है एक चर्च में और वो पेरिस से पूछता है कि सेंचुरी प्लैनेट पर क्या तुम्हें भी वो लड़की दिखाई दी थी जो कोविनेंट एलियन के साथ थी। तो पेरिस कहती है कि हाँ मैंने भी उसे देखा था। और अब जाके मास्टर चीफ को रियलाइज होता है कि ये उसके आंखों का धोखा नहीं है, मैं कि सच में जिंदा है। फिर पेरिस कहती है कि मेरे पास कोविनेंट एलियन की एक रिकॉर्डिंग है और फिर मास्टर चीफ उसे सुनता है जिसमें एलियन की भाषा यानी सैंगेली में एक मैसेज होता है जो था कि हम रिच प्लैनेट पर रहने वाले सारे लोगों को और वहाँ के लिविंग बीइंग्स को मारकर उस प्लैनेट को चकनाचूर कर देंगे और इस पवित्र काम को पूरा करके हम सेक्रेट रिंग तक पहुँच जाएंगे। वही दूसरी तरफ हम देखते हैं एकरसन आखिरी वाला ऑफिशियल होता है जो इस प्लैनेट से निकल जाता है और अब बस मासूम लोग ही इस प्लैनेट पर बचे हैं। यहाँ पे वो मैसेज सुनकर ख़त्म हो जाता है और पेरिस कहती है कि वो लोग यहाँ तक आ गए हैं, है ना। और तभी चर्च में एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है, यानी कि कोविनेंट एलियन की पूरी टीम फाइनली इस प्लैनेट पर आ चुकी है। अब नेक्स्ट एपिसोड में क्या होता है ये जानने के लिए प्लीज स्टे ट्यून और चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। नेक्स्ट एपिसोड जल्दी अपलोड हो रहा है। बाय बाय।